हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको CNC मशीन पे G75 ग्रूविंग साइकिल के बारे में बताने वाला हूँ कि G75 ग्रूविंग साइकिल कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंटैक्स इसका देखिए, आप लिखा हुआ है स्क्रीन पे G75R, तो जी कोड है 75 जो कि ग्रूविंग के लिए यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा बार एक ही कंपोनेंट पे कई सारे ग्रुप बनाने हों, मल्टीपल ग्रुप कभी भी बनाने हों, तो हम G75 साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर G1 में अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोग्राम बन जाता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक जैसे अगर मल्टीपल ग्रुप हमको एक ही कंपोनेंट पर काटने हैं तो हम G75 साइकिल का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और अच्छा भी रहता है। ठीक है, तो G75 लिखते हैं हम लोग, आर लिखते हैं। आर जो है रिट्रैक्शन पॉइंट है, G75 ग्रूविंग साइकिल के लिए जी कोड है, आर रिट्रैक्शन अमाउंट है। जब हमारा टूल ग्रूव काटता है तो काटने के बाद में एक बार में अगर सपोज करो कि 10 mm का या 20 mm का ग्रूव काटना है, तो एक बार में 10 mm या 20 mm हम नहीं कटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2 mm या 3 mm का पैच लेते हैं। 2 mm कटाया, फिर टूल थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है, इस तरह से नीचे आया और ऊपर उठा, नीचे आया ऊपर उठा। ठीक है, नीचे आता है फिर ऊपर उठता है, नीचे आता है फिर ऊपर, कई सारे मल्टीपल पासेस में काटता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम आर रिट्रैक्शन अमाउंट देते हैं कि कटने के बाद में जब डेप्थ में घुसा टूल, घुसने के बाद में फिर ऊपर कितना उठेगा, ऊपर आता है तो 1 mm 2 mm हम रिट्रैक्शन डाल सकते हैं इसको, जो आर प्लेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिट्रैक्ट करके टूल 1 mm ऊपर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर 1 mm ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो कई सारे पैच लगा करके हम वो ग्रुप को बनाते हैं। तो अभी आगे आप प्रोग्राम में देखोगे और कंपोनेंट जब कटेगा तो उस समय आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा रिट्रैक्शन अमाउंट क्या है। उसके बाद में G75 सेकंड लाइन में हम लिखते हैं G75 एक्स प्लेन लिखते हैं, जेड प्लेन लिखते हैं। एक्स जहाँ तक एंड ऑफ द कट जो है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में एंड पोजिशन जो है, डेप्थ जो है वो हम एक्स में डालते हैं। ठीक है, कि कितने डेप्थ तक हमको ग्रुप लेना है, काटना है। जेड हमारी पोजीशन है जो कि लास्ट ग्रुप की पोजीशन कहलाती है। लास्ट ग्रुप हमको कहाँ पे काटना है वो जेड में हम डालते हैं वैल्यू। ठीक है, आखिरी लास्ट ग्रुप। उसके बाद में पी हमारा डाला हुआ है, ये हमारा पैक इंक्रीमेंट है जो मैंने अभी बताया, रिट्रैक्शन अमाउंट। रिट्रैक्शन जिस जिस समय हमारा हमने पैक दिया हुआ है, पैक हमने सपोज 2 mm का दिया, तो 2 mm अंदर काटेगा टूल, फिर उसके बाद में रिट्रैक्स होकर 1 mm ऊपर उठेगा, फिर 2 mm काटेगा, फिर एक ऊपर उठेगा। तो ये क्यू जो हमारा पी जो वैल्यू है वो पैक इंक्रीमेंट है। ठीक है, कितने कितने के पैक लगाने में, 2 mm के पैक लगाने, 3 mm के लगाने। सपोज 2 mm का लगाया तो 4 mm डायमीटर में कम होगा। 2 mm एक साइड से रेडियली कटेगा तो दूसरी साइड से भी रेडियली 2 mm कटेगा, मतलब 4 mm एक बार में रिमूव होगा। 3 mm का पैच लगाया तो मतलब 6 mm का डायमीटर में कम होगा। ठीक है, तो पी हमारा क्या था, पैक इंक्रीमेंट था। ठीक है, क्यू हमारा जो स्टेपिंग साइज है, स्टेपिंग मतलब टूल एक बार में पहला ग्रुप जब काटा तो पहला ग्रुप जब काट रहा था, काटने के बाद में पहले ग्रुप में लास्ट पोजिशन जो थी, पहले ग्रुप की आखिरी पोजीशन जो थी, वहां से नेक्स्ट ग्रुप जो काटेगा वो स्टेपिंग कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का आखिरी पोजीशन से लेके नेक्स्ट ग्रुप जो भी काट रहा है उस ग्रुप तक की डिस्टेंस को स्टेप कहते हैं जेड एक्सिस में। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट कट इन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का पहला कट जो काटा, ग्रुप काटा, वहां से नेक्स्ट अब जो नया ग्रुप कटेगा वहां तक की डिस्टेंस को स्टेप कहते हैं। तो क्यू में डालते हैं हम ये वैल्यू, सारी वैल्यू हमारी ये किस में डालेंगे, माइक्रोन में डालेंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे एमएम में नहीं डालनी है, माइक्रोन में डालनी है। आर जो हमारा रिलीफ अमाउंट एट एंड ऑफ द कट, कट के एंड में, सपोज करो मेरी 4 mm की इंसर्ट है या 6 mm की इंसर्ट है, लेकिन मेरे को ग्रुप बनाना है 10 mm का। ठीक है, 4 mm का अगर इंसर्ट है तो 10 mm का ग्रुप कैसे बनेगा 4 mm की इंसर्ट से, 4 mm जिसकी विड्थ है उसे नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, कट का कट जहाँ पे लेना है वो तो लेंगे लेंगे, उसमें रिलीफ अमाउंट में हम 6 mm का रिलीफ अमाउंट डाल देंगे। 6 mm का रिलीफ डालोगे तो वो 6 mm टर्निंग करते हुए भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आपको मैं प्रोग्राम में समझाता हूँ कैसे ये सब होता है। सपोज कीजिए ये पार्ट है, ठीक है,
ये पार्ट है देख रहे होंगे आप, ये चक पे माउंट हो रखा है। इसकी जो डायमीटर जो इसका है 50 mm है। हमको काटने के बाद ग्रुप काटने के बाद में 30 mm बनाना है। देख रहे होंगे बराबर साइज के ग्रुप हैं, 10 mm की ये पट्टी, 10 mm की ये भी, 10 mm की, और ग्रुप भी 10 mm का है। दोनों ग्रुप 10 mm के हैं, ठीक है। तो लास्ट ग्रुप हमारा कहाँ पे आ रहा है, 40 mm पे आ रहा है, ठीक है। जब हम एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में बात करते हैं, एब्सोल्यूट मोड में चलाते हैं, G90 में चलाते हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट सारे कहाँ से रीड करेंगे, इस पॉइंट से रीड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जेड जो है 0 है, तो यहाँ से 10 mm ये विड्थ है, फिर 10 mm ये है, फिर 10 mm ये है, फिर 10 mm 40 है। तो लास्ट जो हमारा ग्रुप की पोजिशन क्या हो गई, 40 हो गई, ठीक है, ये हो गया। और डेप्थ हमारी कहाँ क्या हो गई, 30 mm तक जानी है एक्स में। तो यहाँ प्रोग्राम आप देख रहे होंगे O0075 जो कि ग्रूमिंग साइकिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे O0075 लिया हुआ है। इसके लिए G90 एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए G90 देते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूँ। G21 हमारी सारी मेट्रिक में है, सारी की सारी डायमेंशन हमारी mm में है, इसलिए G21 लेंगे। अगर इंच में होती तो G20 लेते हम, ठीक है। G95, अब दोस्तों एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ, और ये किसी भी आपको बुक्स में या कोई भी आपको बताएगा नहीं। तो जब भी हम ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बनाने में हम लोगों ने G94 का यूज़ नहीं करना है, कि वहाँ पे क्या चलती है, फीड जो है mm में चलती है, ठीक है, mm पर मिनट में फीड चलती है, G94 डालते हैं जब। लेकिन यहाँ पे हमने डालना है G95, यहाँ रेवोल्यूशन में चलना है, ठीक है, फीड पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने पे हमारी जो फीड डली हुई है उतनी मटेरियल कटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ग्रुप जब काटते हैं तो इंसर्ट प्लंज करती है नीचे की ओर आती है, ऊपर से देख रहे हैं एरो जो बना हुआ है, तो ये प्लंज करते हुए घुसेगी जब, तो इंसर्ट इंसर्ट पे 10% टूल पे, 10% कंपोनेंट पे जनरेट होती है। तो 80% जब हीट जनरेट होती है तो उस समय मटेरियल स्किड कर सकता है इंसर्ट पे, तो इंसर्ट आपकी टूट सकती है। तो यहाँ पे क्या करना, रेवोल्यूशन, एक चक्कर घूमेगा तो उतनी जितनी फीट डली है उतना मटेरियल कटेगा, तो चक्कर पे करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने G94 में नहीं करना, G95 में चलाना है। इंसर्ट की लाइफ अच्छी आती है, टूल टूटता नहीं है, और आपका जो कंपोनेंट भी कभी डैमेज नहीं होता है, रिवर्क करने की कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में G50S 1200 दे रखा है। G50 क्या दे रखी है, G50 होती है हमारे फिक्स आरपीएम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे, वैसे G97 में कई लोग चलाते हैं, लेकिन जब भी ग्रूविंग साइकिल आप चलाएंगे तो आपने वहाँ पे G97 नहीं लेना, G96 लेना है। तो G96 में कॉन्स्टेंट सर्फेस स्पीड के लिए होता है G96, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा वैसे वैसे आप आरपीएम भी आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोड घटता जाएगा वैसे वैसे आरपीएम आपके फीड आपकी घटती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे G50 दिया हमने कि मैक्सिमम आरपीएम, जब हमने 300 दिया यहाँ पे, तो 300 से बढ़ते बढ़ते अगर मैक्सिमम आरपीएम चले गए तो 1200 जाने चाहिए, 1200 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। फिक्स आरपीएम के लिए G50 हम देते हैं। टूल 0101 टूल नंबर 01 सेलेक्ट किया है, ऑफसेट उसके लिए 01 है हमने लिया। M03 क्लॉकवाइज स्पिंडल जो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज करेगा। G96 जो है कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड के लिए ले रखा हमने, ठीक है। एस स्पीड हमने यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं जब, तो यहाँ पे हम आरपीएम हमेशा स्लो रखेंगे, तो कटिंग स्पीड के लिए हमने क्या रखा है, S300 रखा हुआ है, ठीक है, 300 रखा, क्योंकि ये धीरे 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 जैसे जैसे सेंटर की ओर आता है ग्रुप, नीचे की ओर आता जाएगा, मटल कम होता जाएगा, तो वैसे वैसे आरपीएम भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको फिक्स करने के लिए हमने G S 1200 यहाँ पे दिया हुआ है। G50 में G0X52Z-20, पहला जो ग्रुप काटेगा हमारा, पहली पोजीशन जो आएगी यहाँ पे आएगी, ठीक है, 20 पे, ठीक है। एक्स में 52 पे हमने खड़ा किया, ऊपर किया 2 mm ऊपर, ये टूल की इसका कंपोनेंट की जो डायमीटर है 50 है, तो 52 पे हमने ऊपर खड़ा किया 20 पे। अब हम पहला ऑप्शन शुरू होता है G75 साइकिल शुरू हुई, रिट्रैक्शन अमाउंट 1 दे रखा है। अगर जब भी अंदर घुसेगा प्लंज करते हुए तो 1 mm ऊपर उठेगा, फिर प्लंज करते हुए अंदर घुसेगा फिर 1 mm ऊपर उठेगा। उसके बाद G75 नेक्स्ट लाइन जो है आपकी G75X30, ठीक है। X30 क्यों दे रखा है, क्योंकि 30 mm तक हमको अंदर जाना है एक्स में डेप्थ में। Z-40, जेड लास्ट ग्रुप की साइज वो देते हैं, डिस्टेंस देते हैं, यहाँ से लेके लास्ट जो है 40 है, तो लास्ट ग्रुप की 40 देंगे। P300 जो हमने पैक जो लगाया है वो 3000 सॉरी पैक 3000 3000 मतलब 3000 माइक्रोन नहीं है, मतलब 3 mm, 3 mm का पैक लगा रहे हैं। 3 mm घुसेगी इंसर्ट,
फिर ऊपर उठेगी 1 mm, फिर 3 mm घुसेगी, फिर 1 mm ऊपर उठेगी, फिर 3 mm घुसेगी, फिर 1 mm ऊपर उठेगी, ठीक है। इस तरह से कितने पैंच लगेंगे, कम से कम 4 पैंच लगेंगे, क्योंकि रेडियली 3 mm अगर काट रहा है तो मतलब 6 mm काट रहा है, तो 6 × 3 = 18, 18 mm, 3 बार में 18 mm कटेगा, बचेगा 2 mm और, तो 1 mm का पैक और लग जाएगा अपने आप, ठीक है। मशीन अपने आप कैलकुलेट करके 4 पैक में काटेगी, ठीक है। स्टेपिंग जो बोला है, क्यू में जो है हमारा स्टेप आता है, मैंने बताया था स्टेप, ये देखिए एंड ऑफ द कट, कट का एंड यहाँ हुआ, एंड से 20 mm और काउंट करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ घुसेगी इंसर्ट, ठीक है। क्यू में हमारा क्या डालते हैं, स्टेपिंग। आर 6.0, आर क्या है, रिलीफ अमाउंट डाल रखा है, क्योंकि 4 mm की मेरी इंसर्ट है, ये दिखा रखी है, ग्रूविंग टूल जो है दिखा रखा है, 4 mm की इंसर्ट है, लेकिन काटना कितना है, 10 mm का चौड़ा ग्रूव है, तो 6 mm हम और जोड़ देंगे उसमें, तो आर में डलेगी ये वैल्यू 6 mm की रिलीफ अमाउंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली 4 mm 10 mm हो जाएगा। फीड हमने दे रखी 0.15 की, ठीक है, 150 माइक्रोन, जब एक चक्कर काटेगा तो 150 माइक्रोन का मटेरियल कटना चाहिए, ठीक है, ये हमारी फीड है। फिर G0 रैपिड कमांड के लिए एक्स में 60 mm ऊपर चला जाएगा। G28 हमारी रेफरेंस पोजीशन पे जाने के लिए कमांड है G28। U0 W0 मतलब होम पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे रेट टरेट अपनी पहुंच जाती है। M05 में स्पिंडल रुक जाएगा, M30 में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी पार्ट को मैं आपको मशीन पे बताता हूँ, 10 10 mm के पैक, 10 10 mm के ग्रुप काटने हैं, और कितना जाना है इसने डेप्थ में, 20 mm डेप्थ में जाना है, ठीक है। 4 mm की इंसर्ट है, लेकिन इससे 10 mm का वो लगाना, 3 3 mm के हमने पैक डाले हुए, 20 mm का हमारा क्या है, स्टेप है। तो सारी चीज़ मैं अभी आपको मशीन में चला के दिखाता हूँ, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे फानुक की मशीन है, 21i TV सीरीज की है, और इसमें 4 mm का ये ग्रूव इंसर्ट लगा हुआ है। हमने एक कंपोनेंट ले लिया इसमें, ये कंपोनेंट हमने लगाया हुआ है, और ये 50 mm इसका डायमीटर है, 100 mm लंबा है, ठीक है। तो जो हमने पैक लगाना है, वो प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बताया है, वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है एज इट इज, ठीक है। देखिए स्पिंडल घूम रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 1200 माइक, ये देखिए बढ़ते बढ़ते RPM में 1200 चले गए, क्योंकि दिए हमने 300 हैं, लेकिन G96 में यूज़ कर रहे हैं हम, तो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा RPM हाई पहुंच जाएंगे। उसको कांस्टेंट करने के लिए हमने फिक्स RPM के लिए G50 दिया हुआ, जो 1200 RPM दिया है। फीड अभी हमारी 6000 mm पर मिनट दिखा रही है, लेकिन हमने दे रखी 0.15 की, तो देखिए कैलकुलेट करके कितनी आती है, आप देखेंगे अभी, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट जब काटेगी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इंसर्ट किस तरह से घुसती है, ठीक है। ये इंसर्ट आ चुकी है एक्स में 52 पे और जेड में -20 पे है, ठीक है। पहला कट ये देखिए, एक पैक ये कटा, दूसरा पैक, तीसरा पैक, ये चौथा पैक, और ये पांचवा पैक, छठवां पैक, क्योंकि 2 mm का पैक लगाया है, तो देखिए रिलीफ अमाउंट जेड में जो मोशन किया इधर को आएगा, ये देखिए, ये देखिए अंदर जा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। जहां पे इनिशियल पोजीशन से, जहां से उसने ग्रुप काटना शुरू किया था, वहां पे आके खड़ा हो गया वापस, और ये चला गया, तो आपने देखा यहाँ पे जो है पैक किस तरह से लगता है, और रिलीफ अमाउंट ये देखिए, आपको पाथ दिखाई दे रहा है, 4 mm का इंसर्ट था, क्योंकि 10 mm कर दिया। इसको मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्ट बना हुआ है, इसकी थिकनेस देखिए 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, यहाँ तक अगर आप देखोगे 20 mm हो गई, 10 और जुड़ गई, ये अगर देखेंगे आप 30 हो गई, और ये अगर देखेंगे 24 हो गई, तो सेम वही पार्ट बना है जो हमने अभी ड्राइंग में देखा था, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप ग्रूविंग साइकिल चलाते हैं सीएनसी मशीन पे, G75 का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा जो है G95 का यूज़ कीजिए, और 96 का यूज़ कीजिए, 94 और 97 का यूज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि G97 का यूज़ करने को तो करते हैं बहुत से लोग जो है, लेकिन उसमें क्या होता है, टूल की लाइफ नहीं मिलेगी आपको जो है, अगर मटेरियल स्किड कर गया तो इंसर्ट टूट जाएगी, और टूल भी टूटेगा आपको, और कंपोनेंट भी डैमेज होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए
आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखना है, ठीक है, टूल कंजप्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है, रिवर्क नहीं करना चाहते हो तो आप G95 एंड G96 का यूज़ कीजिए, और RPM हमेशा ग्रूविंग करते समय आपको हमेशा कम रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।